तो आज हमारे दोस्त की हॉस्टल से विदाई है, मतलब वो हॉस्टल छोड़ के घर जा रहा है और यहाँ उसे दुल्हन की तरह फेयरवेल दिया जा रहा है। जा तुझको सुखी संसार मिले। और अब हॉस्टल से जा रहे हो और दोस्त पार्टी न मांगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बात तो सही है। तो ये पलटन निकल पड़ी अपने घर जाते हुए दोस्त से पार्टी लेने, पर यार कैफे पहुंचे तो कैफे ही बंद निकला। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अगर पर फ्री की पार्टी मिल रही हो और हम हार मान जाए, ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसीलिए हम चले गए एक दूसरे कैफे में जो पास में ही था, और यहाँ कैफे वाले ने बिजली बचाने के लिए एसी बंद कर रखा था, पर हमारे महान जुगाड़ू दोस्त फोन के रिमोट से एसी चला दिया और कैफे वाले को पता भी नहीं लगा। चीटिंग करता है तू। और फिर बैठे बैठे कुछ देर वेट करते हुए हमारी कोल्ड कॉफी आ ही गई, और ये फ्री की थी तो इसका टेस्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था, ऑल थैंक्स टू घर जाते हुए हर्षद भाई। और फिर हमने बिल मंगाकर उसे फुल इज्जत से हर्षद भाई के हाथों में दे दिया। इस हंसी के पीछे बहुत गम है दोस्तों। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। हॉस्टल आकर सबने एक आखिरी बार हर्षद भाई को बाय बोला और उनका बैग उठाकर चल दिया उन्हें छोड़ने, और इसी तरह हमारा एक दोस्त हॉस्टल से चला गया। अब पता नहीं फिर कब मिलेंगे।